Hi friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. Today in this video we will discuss about bacteria. This is part 1 and in this video we will discuss about systematic position, occurrence and classification of bacteria. Okay, so first we will discuss about the systematic position. Okay, सो बैक्टीरिया एज यू नो कि जो बैक्टीरिया हैं ये मतलब इनको हम डेफिनेट तरीके से इनको क्लासिफाई नहीं कर सकते. ये फंगस भी हैं, कुछ ग्रुप में इनको फंगस भी बोला गया है और कहीं इनको एल्गी भी कहा गया है. तो देखते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है. देखिए बैक्टीरिया जो है वो इसके कुछ कैरेक्टर एल्गी के साथ रिजेंबल करते हैं एंड जो कुछ कैरेक्टर हैं वो फंगस के साथ भी रिजेंबल करते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया रिजेंबल्स विथ फंजाई इन काइटिनियस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल. हमने देखा था कि जो फंगस है उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है. तो एक कैरेक्टर तो यह है कि ये काइटिनियस सेल वॉल होती है इनमें एंड इसमें क्लोरोफिल एब्सेंस होती है बिकॉज ये भी है एक फंगस का ही कैरेक्टर है. एंड इनका जो न्यूट्रिशन है ये सेप्रोफिटिक टाइप का है. सेप्रोफाइट मतलब ये जो है अपना जितना भी फूड है न्यूट्रिशन है ये सब डेड एंड डीके जो ऑर्गेनिज्म है कंपोनेंट्स हैं उनसे लेते हैं. एंड ये जो बैक्टीरिया है वो फंगस से कुछ डिफरेंट भी है इन साइज. ओके, दीज आर यूनी न्यूक्लियर इन नेचर बिकॉज इसमें जो एक सेल से ही पूरा जो ऑर्गेनिज्म है जो पूरा बैक्टीरिया है वो डेवलप हुआ है. लैक ऑफ डेफिनेट न्यूक्लियस इन द सेल और एक निश्चित जो इनमें न्यूक्लियस होगा एक डेफिनेट जो न्यूक्लियस है उसकी एब्सेंस होती है एंड रिप्रोडक्शन. ओके, एंड अगर हम इसको बात करें जो फंगस की एक एप्रोप्रिएट जो एक क्लास है दैट इज साइजोमाइसिटिस उसके अंदर इसको रखा गया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कुछ जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं वो ये भी बिलीव करते हैं कि इसको एक अलग से ग्रुप में यानी कि जैसे मैंने बोला कि ये दोनों को कैरेक्टर शो करता है बैक्टीरिया के भी एंड वायरस के भी. एंड तो इसको अगर हम बैक्टीरिया के व्यू से देखें तो उसको साइनोफाइसी जो एक फैमिली है बैक्टीरिया की उसमें रखा गया है. उसके अंदर भी इसको रखा गया है जिसमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो इसका एक क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है. इसको रखा गया है डिवीजन थैलोफाइटा में बिकॉज थैलोफाइट ने मतलब कि आप इनको इनकी जो प्लांट बॉडी है उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इन स्टेम रूट एंड लीफ में. एंड जो सब डिवीजन है दैट इज फंजाई क्लास साइजोमाइसिटिस एंड जो जीनस है दैट इज बैसिलस एंड स्पीशीज मे बी डिफरेंट. ओके, आप देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. ओके, सो देखते हैं इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है. अगर हम फंगस जो क्लास है मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो बेस वो आपका जो ब्लू ग्रीन जितने भी सॉरी जो उनके जो फंगस है जिसकी जो एक क्लास है साइजोमाइसिटिस उसके बेस पे ये सब फॉलो हो रहा है बैक्टीरिया जितना भी इसके कैरेक्टर हैं क्लासिफिकेशन है वट एवर. ओके, सो इसको नियरली 1650 स्पीशीज इसकी सेपरेटेड हैं. इनको सिक्स ऑर्डर में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज यू बैक्टीरियल्स यानी कि जो यू बैक्टीरियल्स हैं इसमें जितनी भी बैक्टीरिया आते हैं वो सब होते हैं रॉड शेप के. अभी हम इनका शेप देखेंगे स्पायरल शेप के. ओके, इस तरीके के स्पायरल एंड रॉड शेप इस तरीके के. एंड नेक्स्ट वन इज एक्टिनोमाइसिटिस इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो आते हैं एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ब्रांच हाइफी प्रेजेंट होता है. ओके, इस तरीके का जैसे अभी हमने देखा था कि जो ब्रांच हाइफी है वो प्रेजेंट होता है. ओके, एंड अनदर वन इज क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं दीज आर एनशीटेड बाय एनवेलप ऑफ जिलेटिनस आयरन हाइड्रोक्साइड यानी कि इसमें जो इस तरीके के जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें एक जिलेटिनस एनवेलप होता है. ओके, एक चिपचिपा सा स्टिकी एनवेलप जिलेटिनस का जो कि फॉर्म होता है आयरन हाइड्रोक्साइड से. नेक्स्ट वन इज मिक्सोबैक्टीरियल्स मिक्सोबैक्टीरियल्स में स्लैम बैक्टीरिया आते हैं जो कि जितने भी मोल्स होते हैं जो डेड एंड डीके कंपोनेंट में ग्रो करते हैं. ठीक है, इस तरीके की जो क्रीपिंग हैबिट को शो करते हैं ये सब आते हैं मिक्सोबैक्टीरियल्स में. अनदर वन इज स्पायरोकेटिल्स ओके, इसमें जितने भी आते हैं ये प्रोटोजोन लाइक होते हैं
इनका स्ट्रक्चर प्रोटोजोन लाइक होता है, कॉर्क श्रूस के शेप के होते हैं, फ्लेक्सिबल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिससे ये इजीली मूव कर सकें. ओके, इस वजह से इनमें क्या होता है, फ्लेक्सियस मूवमेंट का शो होता है. ओके, अनदर वन इज रिकेटिशियल्स. ओके, जैसे आपने नाम सुना होगा रिकेटशिया, दैट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो वो जो रिक्सिया है वो इसी में आता है. ओके, इसमें जितने भी आते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. ओके, ये इस तरीके के जितने भी होते हैं वो सब आते हैं इस ग्रुप में. अब देखते हैं कि इनका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग भी इन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, कोकस, बैक्टीरियम और बैसिलस एंड स्पाइरल. जैसे देखिए, कोकस में जितनी भी बैक्टीरिया आते हैं दीज आर स्पेरिकल एंड राउंडेड. ओके, जैसे कि आप देखोगे, ये आप देखोगे स्ट्रेप्टोकोकस. देखिए, इसको जो कोकस है उसको रखा गया एक सेपरेट फैमिली में, दैट इज कोकोसिएसी. ओके, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा हैं, देन दीज आर मिक्सोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड सेरिसिना. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी हेयर, दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दैट इज अ स्पीशीज विच बिलोंग्स टू कोकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. एंड हेयर इज स्टेफाइलोकोकस. सो दीज आर राउंडेड बैक्टीरिया एंड यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट दैम कि ये कोकस हैं. देन कि जितने भी राउंड शेप के होंगे दीज ऑल आर बिलोंग्स टू कोकस फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन. अनदर वन इज बैक्टीरियम और बैसिलस. बैक्टीरियम और बैसिलस जितने भी होंगे दीज आर इलोंगेटेड एंड रॉड शेप. ओके, जैसे आप देख सकते हैं बैसिलस है, इसका एग्जाम्पल श्यूडोमोनास है. दीज आर बिलोंग्स टू फैमिली, अ सेपरेट फैमिली, बैक्टीरियोफाइसी. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जितने भी रॉड शेप के बैक्टीरिया आपको दिखेंगे दीज ऑल आर बिलोंग्स टू बैसिलस. ओके, ये जितने भी बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटेनिकम, ओके, न्यूमोफोलिया, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, ये सब बिलोंग करते हैं बैक्टीरियम से. ओके, अनदर वन इज स्पाइरल फॉर्म. ओके, इसमें जितने भी आएंगे दीज आर स्पाइरल बैक्टीरिया. ओके, एंड कॉमा शेप भी होते हैं, कुछ कॉमा लाइक स्ट्रक्चर भी इनमें प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल स्पाइरलम, ठीक है, एंड माइक्रोस्पोर, इसको एक सेपरेट फैमिली में रखा गया है, दैट इज स्पाइरलेशी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. ओके, या यू कैन सी हेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइरल शेप के ट्रिपेनोमा, सीडियम, पैलिडियम. ओके, एंड यहाँ पर आप देखोगे हेलिकोबैक्टर पायरोली. सो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ओके, एंड दिस इज कॉमा शेप बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी. ओके, साल्मोनेला टाइफी. तो ये सब अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं. अब हम कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं. देखिए, अगर आप ऐसे देखना चाहें स्ट्रक्चर के बेस पे, तो इसमें जितने भी हैं कोकस बैक्टीरिया राउंड शेप के हैं. डिप्लोकोकस अगर दो राउंडेड होंगे, ठीक है, इस तरीके से टेट्राड, यानी कि ये अलग अलग बंचेस के फॉर्म में बनाते हैं. अगर जितने इनके शेप बढ़ते जाएंगे तो इनके नेम भी चेंज होते जाएंगे. बैसिलस, दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया. यू कैन सी डिप्लोकोकस फॉर टू बैसिलाई एंड स्टेप्टोबैसिलाई, पैलिसेड जिसमें ये एलोंगेटेड हैं. एंड इसके अलावा कॉमा शेप होंगे इस तरीके के, ये देखिए कॉमा शेप. ओके, एंड क्लब शेप भी होते हैं, हेलिकल फॉर्म में होते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा था पहले, कॉक स्क्रू फॉर्म में भी होते हैं. सो दीज ऑल आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जिसके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है. ओके, अब हम देखते हैं अकरेंस, यानी कि ये कहाँ कहाँ मेनली हमको मिलेंगे. देखिए, बैक्टीरिया जो है ये जितनी भी हैबिटेट हैं ऑलमोस्ट सभी जगह मिलते हैं. दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन विच कम्स अंडर द क्लास साइजोमाइसिटीज. ओके, विच इज स्पेशली द क्लास ऑफ फंजाई. एंड ये जो हैं आपके मोस्टली मतलब एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल बॉडीज सभी जगह मिल जाते हैं. ओके, और अगर आप देखोगे कि ये बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हो सकते हैं, एंड हाईएस्ट टेम्परेचर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो दैट्स इट. इट वॉज ऑल अबाउट बैक्टीरिया. दिस इज पार्ट वन. एंड इसके आगे जो भी हम वीडियो कवर करेंगे वो पार्ट टू होगा, जिसमें हम और भी फीचर्स, इनके रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर,
एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब डिस्कस करेंगे. ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.